ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे डे बुक में किसी निश्चित तारीख के ट्रांजैक्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और किसी एक सप्लायर या कस्टमर के साथ हुए ट्रांजैक्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। अब ये तो हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर डे के सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री देखना। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी भी एक निर्धारित तारीख या किसी भी एक पर्टिकुलर डे में कितनी सेल हुई या उस दिन कितना पेमेंट किया, केवल हमको एक पर्टिकुलर वाउचर की एंट्रीज देखना है, तो उसके लिए हम F4 की प्रेस करके चेंज वाउचर पर जा सकते हैं। F4 की प्रेस करके यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप्स आ जाते हैं सारे। अब इसमें अलग अलग वाउचर्स दिए हैं। अब मान लीजिए हम चूंकि पूरी सेल देखना चाह रहे हैं तो हम सेल्स वाउचर पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 जुलाई के केवल सेल्स की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि टोटल हमने जो सेल की उस दिन वो 59,070 रुपये की सेल की। ये तो हमको पता चल गया कि टोटल कितनी सेल उस दिन में हुई। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना माल हमने उधार बेचा, किसको बेचा और किसको हमने कितना माल नगद बेचा, तो उसके लिए हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट पर। इसके लिए शॉर्टकट की है F6। F6 हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल सेल हमारी जो हुई है वो अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब इसमें सन्ड्री डेटर्स जो हैं, मतलब जिनको हमने उधार माल बेचा है, ये वो हमारी पार्टीज हैं, और किसको हमने कितने का माल उधार बेचा है वो यहाँ पर अमाउंट आ गया, और जो माल हमने कैश बेचा है जितने का बेचा है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमको सेल्स में भी उधार और नगद की डिटेल मिल जाएगी। वापस अगर हमको वाउचर पर आना है तो वापस हम F6 प्रेस करेंगे और वाउचर्स पर आ जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि जिस भी पार्टी को आपने माल उधार दिया है उनकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब उनका सेल्स टैक्स नंबर क्या है या फिर उनका परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है या फिर CST नंबर क्या है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉलमनर ऑप्शन हमको मिलता है जिसके लिए शॉर्टकट की है F5। F5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो सेल्स के लिए ये इतने ऑप्शंस आते हैं। इसमें पार्टीज टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ आ जाता है। इन सबको यस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने लेजर बनाते समय दी होगी। लेजर बनाते समय अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है तो आप उसे यहाँ पर देख पाएंगे, पर अगर लेजर बनाते समय आपने सेल्स टैक्स नंबर या फिर पैन या फिर सर्विस टैक्स नंबर ये इत्यादि नहीं दिए हैं तो फिर वो आपको यहाँ पर नहीं दिख पाएंगे। अभी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे यहाँ पर कस्टमर ए का सेल्स टैक्स नंबर है, इसी तरह से कस्टमर बी का CST नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पैन यहाँ पर है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है लेजर बनाते समय वो आपको यहाँ पर सब इकट्ठी नजर आ जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो किस क्वांटिटी में माल हमने बेचा है, किस रेट से बेचा है, उसकी वैल्यू क्या है, क्रॉस टोटल क्या हुआ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब जो भी माल हमने बेचा है उस पर हमको कितना प्रॉफिट हुआ, अगर ये हमको देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन होता है शो प्रॉफिट का, जिसके लिए शॉर्टकट की है F7। ये F7 जैसे ही हमने प्रेस किया तो अब ये आगे हमको जाना रहेगा इसके लिए, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ये कॉलम और जुड़ जाएगा। कितने की सेल हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या रही, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और परसेंटेज में देखना हो तो वो ये कॉलम में आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कितना परसेंट आपको मुनाफा हुआ है। और अगर ये प्रॉफिट वाले कॉलम आपको हाइड करना हो तो आप वापस F7 प्रेस करेंगे। अब अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे हमने राइस और शुगर बेचा है तो कितना राइस बेचा, कितना शुगर बेचा, ये अगर आपको पता करना है, तो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हमको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पर। F12 की हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर शो एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर, ये वाला जो ऑप्शन है इसको यस कर देंगे। शो इन्वेंट्री वाइज एक्सट्रैक्ट, इसको भी यस कर देंगे। फॉर्मेट डिटेल रखना है हमको, अपीयरेंस में हमने नेम्स ओनली लिया। और ये देखिए यहाँ पर अब टोटल हमने ग्रॉसरी आइटम्स बेचे हैं 1,490 किलो,
और उसमें से राइस जो है वो 450 किलो बेचा है, शक्कर जो है वो 1040 किलो बेची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्ड्स वाला कॉलम खाली है, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो है सेल्स वाउचर्स का एक्सट्रैक्ट। हमने चूंकि माल बेचा है इसलिए आउटवर्ड्स वाला कॉलम जो है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इनवर्ड्स वाला कॉलम खाली है। अगर परचेज वाउचर्स का एक्सट्रैक्ट देखते तो हमको इनवर्ड्स वाले कॉलम में सारी डिटेल्स मिलती, आउटवर्ड्स वाला खाली रहता। अब अगर हमको इसको वापस जिस तरह का पिछला स्क्रीन था, कॉलम में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वापस हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे F12 प्रेस करके, और यहाँ पर शो एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर जो हमने यस किया था उसको नो कर देंगे, और शो कॉलमनर रजिस्टर को यस रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे सबको यस करते हुए, और यहाँ पर शो ग्रॉस प्रॉफिट एस्टिमेट्स को हम नो कर देंगे। तो अब ये देखिए वापस हम कॉलम वाइज जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर आ गए। अब अगर हमको ये कॉलम वाइज इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो अब हम यहाँ से इसको नो कॉलम वाले ऑप्शन को चुन लेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt F5। तो ये देखिए ये नॉर्मल स्टाइल में सारी जो एंट्रीज हैं वो आ गई। अब हम यहाँ से बाहर हो जाते हैं स्केप की दबाते हुए।